हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू नेट साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज शशि प्रभा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट कैलकुलेशन। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन के लिए देखिए, जैसे हमारे पास ये टेबल दी हुई है, हम प्रीवियस वीडियोस में जो डेटा डिस्कस किया है हमने, वही टेबल मैंने फिर से लिए। तो अगर आपको इस टेबल के बारे में थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पुराने वीडियो पे जाके देख सकते हैं। सो क्लास इंटरवल्स दी हुई है, फ्रिक्वेंसीज दी हुई है, मिड पॉइंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब बात आती है मिड पॉइंट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का हमारा रीज़न होता है कि जब भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है हमारे डेटा का, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट चाहिए होता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा मिड पॉइंट पे ड्रॉ होता है। बहुत सारे केसेस में जैसे पॉलीगन हिस्टोग्राम में, ये सारे जो ग्राफ्स हैं इनकी कंडीशंस क्या होती है मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। अभी हमें देखना है कि मिड पॉइंट जो है हमारे लिए मैंडेटरी कंडीशन भी होती है बहुत बार कि हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। जब हम मीन निकालते हैं तब हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। तो इस केस में हम मिड पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड में जो वैल्यूज़ दी हुई होती है क्लास इंटरवल्स की, वो सारी लोअर लिमिट होती है, और जो राइट हैंड में दी हुई होती है वो सारी अपर लिमिट होती है। सो ये सारी वैल्यूज़ इधर वाली सारी क्या है, वैल्यूज़ लोअर लिमिट, और इधर वाली सारी वैल्यूज़ क्या है, हमारी अपर लिमिट। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे मुझे फर्स्ट मिड पॉइंट निकालना है। मेरा फर्स्ट मिड पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या दिया गया है, 50, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, 55। तो इस केस में हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आने वाली है, देखिए मैं वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ, 50 प्लस लोअर लिमिट अपर लिमिट या 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने कर दिया यहाँ पे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 50 प्लस यहाँ पे माइनस करने के बाद में वैल्यू अपनी आएगी 5 डिवाइडेड बाई 2। देखिए नेक्स्ट 50 प्लस 2.5 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 52.5। तो अपना फर्स्ट मिड पॉइंट क्या निकल के आ गया, 52.5। अब सेकंड में देखिए, सेकंड केस में लोअर लिमिट अपना क्या हो जाएगा, 55, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 60। तो इस केस में वैल्यूज़ को अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे तो क्या होगा, 55 प्लस 60 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2, और इसको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा अपना आंसर, वो है 57.5। तो यहाँ मिड पॉइंट क्या आ गया अपना, 57.5। इस तरीके से अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करती हूँ तो अगेन अपना ये वाला आंसर लगभग सब सबका सेम ही आ रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है अपनी लोअर लिमिट वो क्या है, 60, और अपर लिमिट क्या है, 65। तो लोअर लिमिट की वैल्यू हम 60 रखेंगे, अपर लिमिट यहाँ 65 रखेंगे, और जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद अपनी वैल्यू क्या आ जाएगा, 62.5 आ जाएगी। ऐसे ही आगे जब मैं कैलकुलेट करती जाऊँगी इनकी वैल्यूज़ क्या आती जाएगी, 67.5, और इस तरीके से सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। अपना लॉन्ग मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसका मिड पॉइंट का अपना ये फॉर्मूला होता है जिससे हमने मिड पॉइंट को कैलकुलेट किया। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा तरीका और होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए अपना जो हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में मिड पॉइंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो फिर से देखिए, मैं फर्स्ट वाले केस की अगर बात करूँ, अगर इसका आंसर है वो 52.5 आना चाहिए, तो इससे हम देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है क्या ये भी काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 105 डिवाइडेड बाई 2, और अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 52.5। तो मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंडीशन की 50 to 60 वाले केस में, तो इस केस में जो है वैल्यू अपनी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 55 प्लस 60 को हम ऐड करेंगे, 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे क्या होगा, 115 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगी 57.5। ये अपना क्या हो गया, सेकंड मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, ये सारे मिड पॉइंट्स मैं इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो जनरली जो हम कैलकुलेशन में फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम ये कर लेते हैं। वैसे अपना जो पूरा एक लेंथी फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बट इसका एक शॉर्ट मेथड जो होता है वो ये होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
डिवाइडेड बाई टू, इस तरीके से भी हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे 72.5 आएगा, यहाँ 77.5 आएगा, यहाँ 82.5 आएगा, यहाँ पे 87.5 आएगा, ये 92.5 आएगा और ये 97.5 आएगा। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी है, आप लोग एक एक करके कैलकुलेट करके भी अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी टेबल जो हमारी है वो इस तरीके से बन के आ जाएगी। क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, देन उसके बाद फ्रिक्वेंसी हमारी हमने कैलकुलेट कर ही ली थी और फिर उसके बाद हमने सबका मिड पॉइंट भी निकाल लिया। तो ऐसी अपनी पूरी टेबल्स निकल के आ जाती है। और ये जो मिड पॉइंट है वो हमें ग्राफ बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, हमें मीन मीडियन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं इन सारी वैल्यूज़ को, तब हमें बहुत सारी और भी स्टैटिकल जो फॉर्मूलाज होते हैं उन सबको कैलकुलेट करने में भी हमारी जो मिड पॉइंट होता है वो हमें हेल्प करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।